सो हेलो गाइस, वेलकम टू एन रावत ऑफिशियल। गाइस, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि BGMI गेम फिर से बैन हो जाएगा, क्योंकि जो BGMI के सर्वर हैं वो चाइना से कनेक्टेड हैं और कुछ IP एड्रेसेस जो हैं वो चाइना के शो होते हैं। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये देखिए सर्वर जो हैं वो चाइना से कनेक्टेड हैं। तो देखिए दोस्तों, वो ऐसे होता है क्योंकि जब हम अपने ग्लोबल का डेटा BGMI में ट्रांसफ़र करते हैं तो थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए जो हमारा सर्वर है वो चाइना से कनेक्ट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है और डेटा वगैरह कुछ चोरी नहीं होता। क्योंकि क्राफ्टन को भी पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो गेम को हम दोबारा से लॉन्च नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए सारा बखेड़ा हुआ है, पबजी मोबाइल बैन हुआ है। इसलिए क्राफ्टन दोबारा ऐसा नहीं चाहेंगे कि डेटा चोरी का कोई ऐसा ऑप्शन आए जिस पर गेम हम लॉन्च ना कर पाएँ। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, आपका कोई डेटा चोरी नहीं होता है। बस कुछ देर के लिए जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं अपने BGMI में, तब कुछ देर के लिए सर्वर कनेक्ट हो जाता है, बाकी उसमें आपका डेटा चोरी नहीं होता है। और दोस्तों, एक न्यूज़ और निकल के आ रही है यहाँ पर, जो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि गेम 24 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरा मानना है कि 24 तारीख को गेम लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि जब तक इस सीज़न लास्ट नहीं हो जाता, ये सीज़न ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक गेम नहीं आएगा। हो सकता है इस सीज़न के ख़त्म होते ही एक दिन पहले गेम आ जाए, लेकिन इससे पहले गेम नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आने पर इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।